हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं हूं विमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटरोला की तरफ से आने वाला मोटरोला G51 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ, हाल ही में नहीं कह सकते जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। और इसके साथ आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 480+5G जो कि मैं कहूँगा कि एक 400 सीरीज का सबसे कमाल प्रोसेसर है। मतलब कि ये प्रोसेसर ना आप कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 720G जो कि मतलब कि 2020 एंड 2021 का अब लगभग बहुत सारी फ़ोन में आपने वो प्रोसेसर देखा है, लगभग उसके बराबर का एक चिपसेट है वो भी 5G। तो चलते हैं सीधा वीडियो में और देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है और आपको क्या ये फ़ोन लेना चाहिए 14,990 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, या फिर आपको कोई और फ़ोन देखना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बॉक्स कॉन्टेंट की। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा फ़ोन, साथ में एक TPU केस, एक 20W का चार्जर, एक Type-C केबल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसर की। तो इस फोन का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका प्रोसेसर। इसके साथ आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 480+5G जो कि स्नैपड्रैगन का एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। और साथ साथ आपको मिलेगा एड्रीनो की तरफ से आने वाला एड्रीनो 690 GPU जो कि मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है। और साथ साथ मैं अगर इस प्रोसेसर को कंपेयर करूँ दूसरे नॉन प्रोसेसर के साथ, जैसे कि ये प्रोसेसर ना आप कह सकते हो कि डायमंड सीरीज, मतलब कि मीडिया टेक डायमंड सीरीज 700 जो कि लगभग हर एक फ़ोन में यूज़ हो रहा है आजकल 15,000 के नीचे या फिर 20,000 के नीचे भी कुछ फ़ोन में दिख रहा है, उससे भी ये प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि इसका जो एंड्रॉइड स्कोर है वो है लगभग 2,95,000। अच्छा चल, मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका परफॉर्मेंस आप स्नैपड्रैगन की 720G के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मिल चुका है बहुत सारी फ़ोनों में। ऐसा चल, मैं अगर इस प्रोसेसर की गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो BGMI आप इसके साथ बड़े आराम से लो पे अल्ट्रा तक, मतलब कि 45 FPS या फिर 40 FPS तक खेल सकते हैं बहुत ही आराम से। साथ साथ HD पे आप 30 FPS तक गेमिंग भी कर सकते हैं इसके साथ, तो ये भी एक बड़ी कमाल की बात हो जाती है। साथ साथ मैं अगर बात करूँ इस प्रोसेसर की खास बात क्या है, तो ये फ़ोन एक साथ में डुअल 5G को सपोर्ट करता है। साथ साथ आपको इसके साथ आपको 4 बैंड कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलेगा जो कि 4G और 5G दोनों में ही काम करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो इसके साथ मिलेगा एक फुल HD+ 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जो कि 120Hz का है, मतलब कि आप क्या समझ सकते हैं कितना स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है इस फोन के साथ आपको। तो मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो ये फोन आता है फुल यूनिबॉडी प्लास्टिक डिज़ाइन के साथ और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड फ्रंट पे आपको मिल जाएगा एक होल पंच डिस्प्ले। साथ साथ फिंगरप्रिंट इसका साइड पे माउंटेड है, मतलब एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये फोन आता है। और साथ साथ मैं अगर बात करूँ स्पीकर की, तो इसके साथ बस एक ही स्पीकर मिलेगा जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ ट्यून्ड है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात हो जाता है। साथ साथ मैं अगर बात करूँ इस फोन की कैमरे की, तो इसके साथ मिलेगा 50 MP का प्राइमरी कैमरा जो कि होगा f1.8 के साथ एंड ये नॉर्मली 12 MP के फोटो खींचेगा, बट एक 50 MP बोल के एक स्पेशल मोड भी होगा। साथ साथ आपको मिलेगा एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड जो कि मैं कहूँगा कि इस रेंज पे ठीक ठाक है, मतलब एक बैलेंस पैकेज आप कह सकते थे। 13 या फिर 12 MP होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता, बट स्टिल इट्स ओके। तो यार देख, 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा जो मेरे हिसाब से तो कोई भी काम का नहीं है, बेकार है। और साथ साथ फ्रंट की अगर मैं बात करूँ, तो इसके साथ मिलेगा एक 13 MP का फिक्स फोकस कैमरा जो कि डिसेंट कह सकते हैं, लो लाइट पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है बट स्टिल इट्स ओके। एंड मैं अगर बात करूँ वीडियो की, तो इसके साथ आप रेयर से आप 1080p 30 और 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट पे आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड रेयर कैमरा के साथ आप 1080p पे 240 FPS तक की स्लो मोशन भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल का एक बात हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस फोन की बैटरी की। तो इस फोन के साथ आपको मिलेगा एक 5000 mAh की बैटरी एंड 20W का चार्जर जो कि इस फोन को लगभग 75 मिनट्स तक ले लेगा फुल चार्ज होने में। और साथ साथ मैं अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो क्योंकि ये प्रोसेसर एक 8nm प्रोसेसर है, तो ये फ़ोन लगभग एक दिन तक तो आराम से चल जाएगा। कभी कभार अगर आप मॉडरेट यूज़ करेंगे तो देर से 2 दिन तक भी ये फ़ोन जा सकता है। अबाउट क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर कुछ और फ़ोन देखना चाहिए इसी रेंज पे, मतलब इस रेंज पे तो बहुत सारे फ़ोन है, जैसे कि रियलमी 8 मिलता है, थोड़ा सा प्राइस अगर ज़्यादा देंगे तो रियलमी 8S भी मिलता है जो दोनों के दोनों 5G, और साथ साथ नार्जो 30 Pro 5G भी मिलता है। साथ साथ पोको की तरफ से पोको M3 Pro भी मिलता है जो कि हर एक फ़ोन डायमंड सीरीज 700 और 810 के साथ आता है। बट मैं अगर बात करूँ इस फ़ोन की खास बात क्या है, तो इस फोन के साथ आपको 120Hz का डिस्प्ले मिलेगा जो कि बाकी सारों में नहीं मिलेगा, बाकी सारों में 90Hz का डिस्प्ले मिलेगा। साथ साथ मैं अगर बात करूँ इस फोन की और एक खास बात क्या है बाकी सारों से, कि ये फ़ोन ना मतलब कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब को पता ही है डायमंड सीरीज 700 जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है और हीट होने के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप आ जाता है जो कि एक धुमी मतलब कि बहुत ही घटिया है। तो अगर आपको बजट 15,000 ही होता है तो मैं कहूँगा बाकी सारे फ़ोन को छोड़कर ये ही फ़ोन लेना है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस और प्राइस रेशियो, डिस्प्ले, कैमरा हर एक मामले में ये बहुत ही बढ़िया है। वीडियोग्राफी में
थोड़ा सा बुरा है बट स्टिल इट्स ए गुड फोन। मतलब कि अगर आपका बजट 15,000 है और आपको एक 5G फोन चाहिए जो कि बहुत बढ़िया सा बैटरी बैकअप दे, बहुत बढ़िया कैमरा हो, डिस्प्ले भी डिसेंट सा हो, तो मोटोरोला G51 आपके लिए ही बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। और एक बात, गिव अवे पार्टिसिपेट जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।